हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि आपकी ट्वींस में कब नॉर्मल डिलीवरी होती है एंड कब सी सेक्शन होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। आधे से ज्यादा जो ट्वींस होते हैं उनकी डिलीवरी नॉर्मल ही होती है और आपके ट्वींस की पोजीशन काफी हद तक ये डिसाइड करेगी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपकी सी सेक्शन। लगभग 40% ट्वींस ऐसे होते हैं जो टाइम पूरा होने पर अपने सर को नीचे कर लेते हैं, लेकिन 30% ट्वींस ऐसे होते हैं जो टाइम पूरा होने पर एक ट्वींस ऊपर की तरफ सर कर लेता है और दूसरा ट्वींस आपका नीचे की तरफ सर कर लेता है, जिसमें बोला जाता है एक ट्वींस आपका सिफेलिक रहता है एंड एक ट्वींस आपका ब्रीच पोजीशन यानी कि उल्टा रहता है। और ट्वींस में ये दोनों ही पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल सही रहती हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब हम आपको ये बता दें कि आपको डॉक्टर सी सेक्शन के लिए क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो सबसे पहला रीजन, अगर आपके दोनों बच्चे ब्रीच पोजीशन में हैं, यानी कि दोनों ही बच्चे उल्टे हैं और वो आपका टाइम नजदीक आने पर भी अपनी सही पोजीशन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपको प्लासेंटा प्रीविया की शिकायत है तब भी आपका सी सेक्शन ही होगा। अगर आपके प्री मेच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसे में भी सी सेक्शन करवाने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। और अगर आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है या फिर थोड़ा सा खुलता है एंड दर्द आने पर भी पूरी तरह से ओपन नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को बाहर आने के लिए लगभग 10 सेंटीमीटर तक मुंह खुलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी बच्चे का सर बाहर आ सकता है, तो ऐसे में भी आपका सी सेक्शन ही होगा। और आपको बता दें कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो एक ट्वींस के बाहर आने के बाद दूसरे ट्वींस को बाहर आने में लगभग 17 मिनट का टाइम लग जाता है। और बच्चेदानी का मुंह खुलने के बाद एक बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा बहुत ही आसानी से हो जाता है। और आधे से भी कम ट्वींस सी सेक्शन के द्वारा पैदा होते हैं। और अगर आपके ट्वींस किसी भी तरीके से गर्भाशय में किसी मुसीबत में है तब भी आपको सी सेक्शन करवाना पड़ता है। और आपको बता दें कि अगर आप प्लानिंग वाला सी सेक्शन करवाती हैं तो आपकी डिलीवरी डेट 37 वीक से लेकर के 40 वीक तक के बीच में डिसाइड की जाती है। और अगर आपको इमरजेंसी सी सेक्शन की जरूरत पड़ती है तो आपका इससे पहले भी सी सेक्शन हो सकता है। और ट्वींस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बच्चा आपका वजाइना के थ्रू बाहर आता है एंड दूसरा सी सेक्शन के द्वारा बाहर आता है, और ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। ये सभी ट्वींस में से केवल 4% ट्वींस में ऐसा होता है। और आमतौर पर ऐसा तब होता है कि अगर आपका एक ट्वींस बहुत ही इजीली से बाहर आ गया और दूसरा ट्वींस किसी भी तरीके से इमरजेंसी कंडीशन में फंस जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे कार्ड प्रोलैप्स, ये वो स्थिति होती है कि जब एक बच्चा बाहर आ जाता है एंड दूसरे बच्चे के सामने से गर्भनाल पहले बाहर आ जाती है और बच्चा अंदर ही रह जाता है, तो ऐसे में बच्चे को जो ऑक्सीजन मिलनी होती है वो बंद हो जाती है, तो ऐसे में इमरजेंसी सी सेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। और दूसरी कंडीशन गंभीर खराबी, यानी कि एक अनुप्रस्थ बच्चे की तरह दूसरे बच्चे को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जैसे कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें बच्चे को ना तो आंतरिक बल के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है एंड ना ही बाहरी बल के द्वारा, तो ऐसे में भी इमरजेंसी सी सेक्शन की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा प्लेसेंटल एब्डोमिनल, ये वो कंडीशन होती है जिसमें आपका जो प्लासेंटा होता है वो समय से पहले अगर गर्भाशय की दीवार से दूर हो जाता है तो ऐसे में भी इमरजेंसी सी सेक्शन होता है। और अगर आपकी पहली डिलीवरी सी सेक्शन द्वारा हुई हो तब भी ट्वींस में सी सेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब आपको डॉक्टर सजेस्ट करें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तभी आप ट्राई करें, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें, नहीं तो आप किसी भी इमरजेंसी मुसीबत में पड़ सकती हैं एंड अपने बच्चे को भी डाल सकती हैं। तो इसलिए आप सही समय पर सही डिसीजन जरूर लें। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।